हेलो दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर प्रिंस शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिविल की बात में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ सीमेंट एंड देयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड यूजेस, मतलब कि जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में सीमेंट यूज करते हैं उसके ग्रेड क्या होते हैं, उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होते हैं, उसके यूज क्या होते हैं, तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ सीमेंट एंड देयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड यूजेस, मतलब सीमेंट के ग्रेड्स क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या है, उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। तो दोस्तों, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सीमेंट होता क्या है, वास्तव में सीमेंट है क्या। तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, मतलब बंधक पदार्थ होता है जो चीजों को आपस में बांधने का काम करता है। जैसे हम कंक्रीट जब बनाते हैं तो उसमें सीमेंट डालते हैं, सैंड डालते हैं, एग्रीगेट डालते हैं, तो जो हमारा जो कंक्रीट बनता है एक ठोस पिंड के रूप में बनता है। तो उस ठोस पिंड बनता है, सीमेंट ही उन सभी कंपाउंड्स को आपस में बांधे रखता है। तो एज अ सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। तो चलिए सीमेंट्स के ग्रेड क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सीमेंट के तीन ग्रेड होते हैं, 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट, 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वो तीनों ग्रेड में आता है, 33 ग्रेड में आता है, 43 में आता है एंड 53 में आता है। तो हम 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट से शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमने बोर्ड पे पहले से ही एक टेबल बना के ग्रेड्स ऑफ सीमेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, यूजेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और आईएस कोड लिख लिए। इन सब चीजों को मैंने बोर्ड पे पहले से इसलिए लिख लिया है क्योंकि अगर मैं वीडियो में इन सब चीजों को लिखूंगा तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इन सब चीजों को पहले से ही बोर्ड पे लिख लिया है। तो 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट से यूज करते हैं। तो 33 ग्रेड सीमेंट के यूजेस कहां है, मतलब उस सीमेंट का यूज कहां किया जाता है। दोस्तों, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन का टॉपिक मैं सबसे बाद में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। 33 ग्रेड सीमेंट का यूज, रेयरली यूज पीपीसी एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ लो स्ट्रेंथ बिलो M20, मतलब कि 33 ग्रेड का जो सीमेंट होता है वो रेयरली यूज, मतलब कि बहुत ही सीमित मात्रा में यूज किया जाता है। और सीमित मात्रा में किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी इस सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए आजकल इस सीमेंट का यूज बहुत ही कम से कम मात्रा में किया जाता है। और इस सीमेंट का जो यूज किया जाता है वो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को बनाने में करते हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ लो स्ट्रेंथ, मतलब कि जो लो स्ट्रेंथ के हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे आप 33 ग्रेड सीमेंट का आसानी से यूज करते हैं। एंड बिलो M20 ग्रेड ऑफ सीमेंट, अगर आपको M20 ग्रेड से नीचे की कंक्रीट की अगर कहीं कास्टिंग करनी है या फिर M20 ग्रेड से नीचे के ग्रेड की कंक्रीट की आपको जरूरत है तो आप वहां पे 33 ग्रेड सीमेंट को बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं। अब 33 ग्रेड सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो 33 ग्रेड सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 33 MPa होता है। 33 MPa कहिए या 33 N/mm² कहिए, बात एक ही है। तो 33 N/mm² का मतलब यह हुआ कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो ये बताता है कि लोड अपॉन यूनिट एरिया। तो जैसे कि आप जानते हैं 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 33 MPa या 33 N/mm² होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट कहीं यूज कर रहे हैं तो उस सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो 1 MM² एरिया पे 33 N का लोड बड़े ही आसानी से बियर कर लेगी, मतलब सहन कर लेगी। अब आते हैं आईएस कोड पे। आईएस कोड का मतलब कि हमारा जो 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट है उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो किस आईएस कोड से लिया गया है। तो 33 ग्रेड ऑफ जो सीमेंट है उसका आईएस कोड होता है IS 269। 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट का जो आईएस कोड होता है वो होता है IS 269। अब आते हैं 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट पे। तो 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट जो है उसके यूजेस क्या है, तो उसके जो यूजेस हैं उसमें ये लिखा है कि पीपीसी एंड आरसीसी वर्क्स, मतलब कि पीपीसी के काम में, आरसीसी के काम में, मतलब रेनफोर्समेंट सीमेंट के काम में, मतलब जो हमारा रेनफोर्समेंट वर्क आरसीसी वर्क होता है वहां पे 43 ग्रेड सीमेंट का यूज हम बड़े आसानी से करते हैं। अप टू M30, मतलब अगर आपको M20 से ऊपर और M30 ग्रेड तक की कॉन्क्रीट अगर आपको बनानी है तो आप उसमें M तो आप उसमें 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट को बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं।
और इसमें लिखा है कि प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग एंड ब्रिक स्टोन मैसनरी, मतलब कि प्लास्टर करने में, जैसे दीवार में प्लास्टर किया जाता है, सीलिंग में प्लास्टर किया जाता है, तो इंटरनल वॉल, एक्सटर्नल वॉल, सीलिंग, इन सबके प्लास्टर में, फ्लोरिंग मतलब कि जो हमारा फर्श होता है, फर्श का, फर्श तैयार करने में हम 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट को बड़ी आसानी से यूज करते हैं। और इसमें यह बताया है कि स्टोन एंड ब्रिक मैसनरी, मतलब कि जो ईंट या पत्थर से जो हमारी दीवार चिनाई की जाती है, जो हमारी दीवारें बनाई जाती हैं, उसमें भी हम 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट को बड़ी आसानी से यूज करते हैं। और इसमें लिखा है कि इट इज यूज फिनिशिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, एस रोड एंड एक्सेट्रा, मतलब कि 43 ग्रेड जो सीमेंट है उसको बिल्डिंग्स के टाइल्स जैसे होते हैं, रोड हो गया, सॉरी ब्रिज हो गया और डैम हो गया, तो इन सब चीजों के फिनिशिंग कार में भी हम बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं। अब आते हैं 43 ग्रेड सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। तो 43 ग्रेड सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 43 एमपीए होता है। 43 एमपीए का मतलब 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब कि अगर आप किसी बीम कॉलम या स्लैब की कास्टिंग में अगर आप 43 ग्रेड का सीमेंट आप यूज किए हैं, एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, 43 ग्रेड सीमेंट का अगर आप यूज किए हैं तो 1 एमएम स्क्वायर एरिया पे वो जो मटेरियल आपका होगा, बीम या कॉलम या स्लैब, वो 1 एमएम स्क्वायर एरिया पे 43 न्यूटन का लोड बड़े ही आसानी से बियर कर लेगा। अब आते हैं 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट के आईएस कोड पे। तो मतलब अभी मैंने बताई आईएस कोड की, मतलब सीमेंट के स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो किस आईएस कोड से लिया गया है। तो 43 ग्रेड ऑफ जो सीमेंट है उसका जो आईएस कोड होता है वो आईएस 8112 होता है। तो उसका जो आईएस कोड होता है वो होता है आईएस 8112। अब आते हैं 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट पे। तो 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट के यूज क्या है, तो 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट के जो यूज है उसमें लिखा है कि ऑल आरसीसी वर्क्स लाइक बीम, कॉलम, फुटिंग एंड स्लैब, मतलब कि दोस्तों हम सभी प्रकार के आरसीसी काम में जब हमको बीम, कॉलम, स्लैब कास्ट करना होता है तो वहां पे हम 53 ग्रेड सीमेंट को अलाउ करते हैं। और ऐसा किस लिए करते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का सारा लोड हमारे फुटिंग्स, बीम्स, कॉलम एंड स्लैब पे पड़ता है। तो जब हमारा बीम, कॉलम, स्लैब और फुटिंग ही नहीं मजबूत रहेगा तो हमारी बिल्डिंग जो रहेगी वो मजबूत प्रॉपर कैसे खड़ी रहेगी। तो इसलिए इन सब मटेरियल्स को पूरी तरह से स्ट्रेंथ देने के लिए, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम 53 ग्रेड सीमेंट का यूज करते हैं। अब आते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो 53 ग्रेड ऑफ जो सीमेंट होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो 53 ग्रेड ऑफ जो सीमेंट है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 53 एमपीए। तो एमपीए कहिए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहिए, तो जैसे आपने मान लिया कि बीम, आपने 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट से आप एक बीम कास्ट कर रहे हैं, तो बीम कास्ट आपने जब कर दिया तो 1 एमएम स्क्वायर के एरिया पे वो 53 न्यूटन का लोड बड़ी ही आसानी से बियर करेगा। अब आते हैं आईएस कोड पे। तो आईएस कोड क्या है, तो 53 ग्रेड ऑफ जो सीमेंट है वो किस आईएस कोड से लिया गया है, उसके स्पेसिफिकेशंस किस आईएस कोड में लिखे गए हैं, तो वो आईएस कोड है 12269। उसका आईएस कोड है आईएस 12269। तो दोस्तों ग्रेड्स ऑफ सीमेंट, उसके यूजेस, उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और उसके आईएस कोड मैंने बता दिए। अब आपका एक पॉइंट बचता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब कि हीट ऑफ हाइड्रेशन है क्या। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये हुआ कि जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो सीमेंट के जो कंपाउंड होते हैं वो जब पानी से मिलते हैं तो उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब रासायनिक क्रिया होती है। तो जब उनके बीच रासायनिक क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप या फिर उसके दौरान हमको एक घोल, गाढ़ा घोल मिलता है, उस गाढ़े घोल को जल सीमेंट पेस्ट या जेली या स्लरी कहते हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग जब ये हाइड्रेशन प्रोसेस चलता है तो उसके अकॉर्डिंग जब सीमेंट जमता है तो वो स्ट्रेंथ गेन करता है, और जैसे जैसे सीमेंट जमता है उसमें से उष्मा उत्पन्न होती रहती है, और ये उष्मा अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ सीमेंट के अकॉर्डिंग उत्पन्न होती है कि आप किस ग्रेड का सीमेंट यूज कर रहे हैं। तो जिस ग्रेड का सीमेंट आप यूज
आप यूज कर रहे हैं तो उस ग्रेड के सीमेंट के अकॉर्डिंग वो उष्मा उसमें उत्पन्न होती है। तो हम 33 ग्रेड सीमेंट के बारे में बताते हैं। तो 33 ग्रेड का जब सीमेंट हम लोग यूज करते हैं तो उससे जो उष्मा उत्पन्न होती है वो बहुत ही लो कैटेगरी की उष्मा उत्पन्न होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो हीट, मतलब 33 ग्रेड सीमेंट का यूज करने पे उष्मा जो उत्पन्न होती है वो कम मात्रा में उत्पन्न होती है। और 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट, तो 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट का जब हम यूज करेंगे तो उससे जो उष्मा उत्पन्न होगी वो 33 ग्रेड सीमेंट की तुलना में अधिक उत्पन्न होगी, मतलब मीडियम हीट आपकी जेनरेट होगी। और 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट, तो जब आप 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज करेंगे तो उसके हाइड्रेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो आपकी उष्मा उत्पन्न होगी वो मैक्सिमम होगी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों, हीट ऑफ हाइड्रेशन का सबसे बड़ा खेल क्यूरिंग में होता है। हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर की क्यूरिंग क्यों करते हैं, तो किसी भी स्ट्रक्चर की क्यूरिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो हमारा ये हीट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन है इसको पूरी तरह कंप्लीट कराने के लिए हम लोग क्यूरिंग करते हैं। मान लिया कि आप M53 ग्रेड के सीमेंट से बीम, कॉलम और फुटिंग आपने कास्ट कर दी, तो अगर आप उसकी क्यूरिंग नहीं करेंगे तो 53 ग्रेड के बारे में जैसे मैंने बताया कि 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करने पे काफी अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, तो अगर आप उसकी क्यूरिंग नहीं करेंगे तो उसमें काफी अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होने के कारण वो जो आपका स्ट्रक्चर है बीम, कॉलम, स्लैब, वो पूरी तरह से क्रैक्स हो जाएंगे, उसमें वो फट भी सकता है। तो इसलिए उसके हीट को मेंटेन करने के लिए, मतलब उसके हीट को कम करने के लिए और उसमें जो हाइड्रेशन रिएक्शन चल रही है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्यूरिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों, क्यूरिंग से हीट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन का बहुत बड़ा संबंध है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिविल की बात एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।